हेलो एवरीवन, दिस इज मृत्युंजय महांति फ्रॉम बोस कटक, भुवनानंद ओडिशा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कटक। सो टुडे द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट सिक्स सेमिस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द टॉपिक इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग सिस्टम। दिस इज फॉर ओनली सिक्स सेमिस्टर स्टूडेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड द सब्जेक्ट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। एंड on this subject the important topics, that is the chapter number 2, I think it is braking system. So in this presentation I will discuss each point on your syllabus very briefly, and according to your syllabus and according to your course structure I will prepare this presentation. So in the next 30 minutes I will discuss about the importance of braking system in automobile engineering, and what are the main important braking system, and what are the important application of braking system, and at last I will suggest some MCQ questions. I will prepare some MCQ questions on that topic also. Okay, so next, coming to the first, the important part of presentation is all about contents of this presentation. The presentation comprises these important terms, but these important topics. First one is introduction to braking system in automobile. Second one is needs, and third one is classification: drum brake, disc brake, mechanical braking system, hydraulic braking system, and next is air braking system, next one is vacuum braking system, and is application of different types of braking system. So these are the points I will discuss. These are the points from your syllabus only. Okay, the same point are coming in your syllabus only. I will discuss each point, each topic very very clearly, and I think it will be understandable to all of you. So next comes to the important part, that is first one is introduction slide. So before going to the break mu to man kahiya chahi bi gote katha je braking system jiwa purbaru ami janiba je what is a brake. किंतु व्हाट इज ब्रेक, ब्रेक कौन जानिया पूर्व आम जानवा उचित जे व्हाई ब्रेक, ब्रेक कौन पर यूज करवा, यह तो प्रथम जानवा उचित जे ब्रेक आम कौन पर यूज करवापर जानवा जे ब्रेक कौन, तो ब्रेक कौन पर यूज करवा आम जानवा उचित निहाती। तो ब्रेक कौन पर यूज कर जाना पूर्व आम फेरी जावाक पड़ो आमको से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जे एवरी एक्शन हाज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड न्यूटन फास्ट लॉ ऑफ मोशन कौन थी ना न्यूटन फास्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया एवरीबॉडी इज इन द यूनिवर्स एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स आर कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स जपर्यंत कौन बॉडी उपरको आम कौन बाह्य कारक कौन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय नक से बॉडी कंटिन्यूअसली रोटेट कर गोटे रेस्ट कंडीशन रे सब थी ठीक अच्छे तेणुक आम जेपर्यंत कौन एक्सटर्नाल फोर्स तरह आप्लाय करना से पर्यंत से बॉडी कंटिन्यूअसली रेस्ट कंडीशन रे थी किंबा कंटिन्यूअसली मोशन कर चल तेणुक कनसेप्ट को आधार करके बर्तमान ब्रेक को बुझा यही कनसेप्ट को आधार करके कौन कर ब्रेक को बुझा तो ब्रेक जेकोसी गोटे रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करने को किंबा गोटे रोटेटिंग बॉडी रो मोशन को रिड्यूस करने को कौन दरकार ना गोटे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स दरकार एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जेपर्यंत आम से बॉडी उपर को न प्रयोग से पर्यंत से बॉडी रेस्ट कंडीशन को आसब ही ना तेणुक यही कंडीशन को आधार करके आम कौन जानवा ना मेकानिकल ब्रेक ए ब्रेक इज ए मेकानिकल डिवाइस दैट इनहेबिट्स मोशन बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी फ्रॉम ए मूविंग सिस्टम। तो ये में बुझा भला बुझा जे ब्रेक रो इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन
सपोज गोटे रोटेटिंग डिवाइस अच्छी गोटे रोटेटिंग डिवाइस अच्छी लाइक ए व्हील गोटे रोटेटिंग डिवाइस अच्छी आम पाखे ए रोटेटिंग डिवाइस को बाय रोटेटिंग व्हील व्हील माने व्हील को आमको स्टॉप करिया कहले तार मोशन को रिड्यूस करिया कहले आमको कौन करिया पड़िबो ना आमको तो किसी एक्सटर्नल फोर्स दवाक पड़िबो एक्सटर्नल फोर्स दवाक पड़िबो आ से एक्सटर्नल फोर्स जो देबी से कौन करिबो ना जदी मु किसी एक्सटर्नल फोर्स एको अप्लाई करे ना कौन करिबो से ना इ फ्रिक्शन क्रिएट करिबो जदि मुझे एक्सटर्नाली कौन सी बॉडी को आने की ताप पाखरे लगे देबी तले कौन करिबो ना सी ए बॉडी रे कौन करिबो ना फ्रिक्शन क्रिएट करिबो फ्रिक्शन अप्लाई आसिबो तेनको से जो फ्रिक्शनल फोर्स पड़ी आसुच्छी बॉडी रो मोशन रो अगेंस्ट रे जो फोर्स आसुच्छी दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा बॉडी रे कौन हबो ना बॉडी रो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अछि बॉडी रो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अछि बॉडी पाकर जो मोशन अछि तनको बॉडी कतर मोशन अछि माने बॉडी कतर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी अछि सो सेम काइनेटिक एनर्जी को हम कोन करबा ना जो काइनेटिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी रे कन्वर्ट कर दवा से जो काइनेटिक एनर्जी में कोन करबा ताको हीट एनर्जी रे कन्वर्ट कर दवा बाय अप्लाइंग ए अपोजिट फोर्स गोटे अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करके हम कौन कले गोटे काइनेटिक एनर्जी को कौन कले ना हीट एनर्जी रे कन्वर्ट कर आउ सेम हीट सेम एनर्जी को हम कौन करिबा ना अब्जर्व करे दबा एठी कोठी अब्जर्व करे दबा ए जो फ्रिक्शनल पैड रे अब्जर्व करे दबा कर देले कौन हबो ना यार मोशन टा को हम स्टॉप करि परिबा इजीली स्टॉप करि परिबा तो द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस ब्रेकिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन प्रिंसिपल इज द फ्रिक्शन प्रिंसिपल सो एट बट द सेम जिनस पॉइंट आउट कराई ए ब्रेक इज ए मेकानिकल डिवाइस दैट इनहिबिट्स मोशन बाय अब्जर्विंग एनर्जी फ्रॉम ए मूविंग सिस्टम ए मूविंग सिस्टम रो एनर्जी को सी अब्जर्व कर सला परे यार मोशन टा कोन हिजबो ना कमी जिवो ठीक अछि तण करी इट यूज्ड फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग ए मूविंग व्हीकल व्हील एक्सल और टू प्रिवेंट्स इट्स मोशन मोस्ट ऑफन अकॉम्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन दैट मीन्स तो जेकोनसी बॉडी रोटेटिंग बॉडी हो जेकोनसी रोटेटिंग बॉडी हो ताकु हमको स्लो करिया कहले तार स्पीड टा कमेया कहले ताकु स्टॉप करिया कहले हमको कोन दरकार गुटे अपोजिट रु फोर्स दरकार से अपोजिट फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करिया द्वारा रोटेटिंग बॉडी रो काइनेटिक एनर्जी टा कोन हेउची ना कन्वर्ट हेउची फ्रिक्शनल बा हीट एनर्जी रे कन्वर्ट हेउची ठीक अछि आ जहा कि बॉडी भितर अब्जर्व हे जाउची तो ए जो प्रिंसिपल रे आमे जनरली ब्रेक यूज करू ठीक अच्छे ना ए प्रिंसिपल आमे कौन करू ना ब्रेक यूज करू तो बर्तमान में जीवा नेक्स्ट स्लाइड को जीवा नेक्स्ट स्लाइड को बर्तमान में जीवा व्हाट इज ए ब्रेकिंग सिस्टम व्हाट इज ए ब्रेकिंग सिस्टम द मेन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज व्हाट इज ए ब्रेकिंग सिस्टम प्रथम कथा जानले जे ब्रेक कौन जानले किन बर्तमान जानले व्हाट इज ए ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम कौन तो ब्रेकिंग सिस्टम कथा कहिया भेले ए ब्रेकिंग सिस्टम जो अछि ए ब्रेकिंग सिस्टम किसी गुटे नंबर ऑफ कंपोनेंट को देखो छि ब्रेक कहिले गुटे सिंपल डिवाइस को देखो छि किंतु ब्रेकिंग सिस्टम कहिले इट्स कंप्रेसिस अ नंबर ऑफ सिस्टम ठीक छ नै तो नंबर ऑफ डिवाइस को ये ब्रेकिंग सिस्टम जो अछि कंप्रेसिस कर छि तो देखा भला गुटे स्कीमेटिक डायग्राम इट अछि ए गुटे स्कीमेटिक डायग्राम अछि इट शोज the main important parts of a braking system main important parts of a general braking system so here it is a front wheel eta amra front wheel rauchi e pora rear wheel rauchi front wheel aur rear wheel pakku dui ta ko kon jiba darkar braking system ra component ba linkage ja dui ta wheel pakku jiba darkar to prathama katha hauchi एटा गोटे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम रो डायग्राम को एटा शो करछि तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम रे आमर जनरली जो सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट रुहे कौन कौन रुहे गोटे जनरली रुहे मास्टर सिलिंडर नेक्स्ट कौन आसीबो ना व्हील सिलिंडर मास्टर सिलिंडर व्हील सिलिंडर ब्रेक बस्टर हाइड्रोलिक लाइन्स दीज आर द मेन इंपोर्टेंट पार्ट्स ओके सो नेक्स्ट कम टू the needs of a braking system the needs of a braking system what are the main important needs needs mane kon dorkar actually needs re ame dekhiba je gude braking system ro
दरकार कौन पे आसला तार मेन इंपोर्टेंट फंक्शन कौन कौन फर्स्ट पॉइंट द नंबर वन पॉइंट इज इट्स टू स्टॉप द मूविंग व्हीकल को स्टॉप करबा लागि प्रथम पॉइंट आउस कौन ना मूविंग व्हीकल को स्टॉप करबा लागि ब्रेकिंग सिस्टम निहाते आवश्यक सेकंड इट इज अ टू मार्क क्वेश्चन एक्चुअली इट इज अ टू मार्क क्वेश्चन फॉर योर सेमेस्टर इट इज अ टू मार्क क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर टू डी एक्सेलरेट द मूविंग व्हीकल रो जो स्पीड टाकु कमेया पई डी एक्सेलरेट माने एक्सेलरेशन टाकु कमेया पई ठीक अछि इला सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फॉर स्टेबल पार्किंग ऑफ अ व्हीकल इन अ फ्लैट सरफेस और ऑन अ स्लोप ता माने सपोज आम गोटे कौन अच्छे ना गोटे स्लोप सरफेस अच्छी स्लांट सरफेस अच्छे आम पाखे कौन अच्छे गोटे ना स्लोप सरफेस अच्छे और स्लांट सरफेस अच्छे तो ये स्लोप सरफेस उपरे आम कौन चाहिए सपोज गोटे रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करिया को चाहिए बा मु कहबी जोटे व्हीकल को स्टॉप करिया पे चाहिए गोटे व्हीकल को माने को स्टॉप करिया चाहिए ना गोटे स्लोप सरफेस उपरे स्टॉप करिया पे चाहिए गोटे स्लोप सरफेस उपरे स्टॉप करिया पे चाहिए तो किंबा पार्किंग करे पई चाहिबे हम कोन दरकार ना ब्रेकिंग सिस्टम निहात दरकार तो ब्रेकिंग सिस्टम खाली हमें फ्लैट सरफेस उपरे नहु हमको स्लोप सरफेस उपरे टेंपरेरी स्टॉपिंग करिया पई मध्ये निहात दरकार नेक्स्ट आछी आज ए प्रिकॉशन फॉर एक्सीडेंट एक्सीडेंट रु बंचिया पई मध्ये हम कोन दरकार ना ब्रेकिंग सिस्टम निहात दरकार लास्ट टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम एनी डैमेज ड्यू टू रोड कंडीशन ठीक अछि रोड रे जो बम सब आसुची ठीक अच्छे ना रोड अनइवन सरफेस ऑफ रोड जो आसुची अनइवन सरफेस रो रोड रु आमको व्हीकल रो बॉडी को डैमेज रु रोकिया पई मध्ये कोन दरकार ना ब्रेक रो निहाती आवश्यक रही छे तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए ब्रेकिंग ब्रेक नेक्स्ट कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन जो अच्छी आम पाखे अकॉर्डिंग टू फास्ट आसो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स पावर कोड मिलूँ ठीक अच्छे ना पावर कोड मिलूँ से पावर सोर्स ब्रेकिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन कराई तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स फास्ट वन इज मेकानिकल सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम थर्ड वन इज एयर ब्रेकिंग सिस्टम और न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फोर्थ वन इज वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम देन इज मैग्नेटिक देन इज इलेक्ट्रिकल सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव मेकानिकल ब्रेकिंग सिस्टम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम एयर ब्रेकिंग सिस्टम एंड वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम आम सिलेबस नहीं तेणुक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस मुझे पीपीटी को डिजाइन करछि तेणुक आम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जीवा सो आम पढ़ा मेकानिकल ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ा एयर और न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ा एंड वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ा जिकि एक्चुअली फाइव मार्क क्वेश्चन सब आसे ये जेनेली ये क्वेश्चन सब फाइव मार्क क्वेश्चन ही जेनेली आसे फाइव मार्क क्वेश्चन ऑल आर फाइव मार्क क्वेश्चन ओके नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शनल ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शनल ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट नंबर वन इज इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक दैट इज कॉल्ड ड्रम ब्रेक एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल कंट्रैक्टिंग ब्रेक दैट इज कॉल्ड डिस्क ब्रेक आम पाखे दुईटा ब्रेक जेनेल देखी पार कन्वेंशनल गाड़ी मानक कन्वेंशनल मान कौन टिके पुरातन गाड़ी गाड़ी मानक प्रायत आम सब कौन थाए ना ड्रम ब्रेक सब थाए कि बर्तमान सब आसगला कौन डिस्क ब्रेक बर्तमान सब आसगला तेनाली दुईटा जिन पढ़ा ये गोटे हूँ इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक दैट इज कॉल्ड ड्रम ब्रेक and one is next one is external contacting brake that is called disc brake next on the basis of application on the basis of application foot or service brake फुट ब्रेक जोटा के मैं जनरली पादरे मारू फुट ब्रेक और सर्विस ब्रेक जहाँ कहते नेक्स्ट वन इज हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक जो पार्किंग ब्रेक मरा जाए हैंड ब्रेक मरा जाए कार मानकर तुम देखी थो चार नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वन इज सिंगल एक्टिंग ब्रेक वन इज डबल डुआल एक्टिंग ब्रेक ए सिंगल एक्टिंग ब्रेक कौन और डुआल एक्टिंग ब्रेक कौन
ए जिनस फिगर देखा से फिगर में तुमको कह सिंगल एक्टिंग ब्रेक आउ डुआल एक्टिंग ब्रेक रो मीनिंग एक्चुअली कौन। सो फर्स्ट वन इज ड्रम ब्रेक और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक, ड्रम ब्रेक और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम, वन इज ड्रम ब्रेक और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। तो बर्तमान देखा इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक और ड्रम ब्रेक वर्क केमी करे, ये वर्क केमी करे। तो यार जा पूर्व आम कौन कर फिगर टाक स्टडी करवा, तो फिगर टाक भला स्टडी करवा। ए फिगर में आम देखा ये जो ड्रम ब्रेक अच्छे इट इज ए मेकानिकल ब्रेकिंग सिस्टम, एक्चुअली इट इज ए मेकानिकल टाइप ब्रेकिंग सिस्टम। सो ये कौन कौन इंपोर्टेंट कंपोनेंट अच्छे देखिए कौन कौन इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन अच्छे। फर्स्ट वन इज ड्रम, फर्स्ट वन गोटे कौन थी गोटे ड्रम थी ठीक अच्छे ना नहीं। अच्छा नेक्स्ट कौन अच्छे गोटे कैम अच्छे, गोटे कौन अच्छे गोटे कैम अच्छे। अच्छा कैम जो अच्छे कैम जनरली कौन कर ना कैम रीनिंग हूँ कैम जो अच्छी सी रोटेटिंग डिवाइस। कैम टा कौन कर कैम जहाँ साग लगे ये गोटे ये कैम जहाँ साग लगे कैम टा रोटेट कर। कैम पोजिशन केमी अच्छे, कैम पोजिशन एमती अच्छे बर्तमान पोजिशन तह कौन लगी ना दीटा ब्रेक शो लगी, यहाँ हूँ ब्रेक शो गोटे यहाँ गोटे ब्रेक शो एटा गोटे ब्रेक सु एटा मध्य गोटे ब्रेक सु दुईटा ब्रेक सु रहा दुईटा ब्रेक सु काम विषय लगुच काम रे लगुच ये जो काम रे दुईटा ब्रेक सु लगुच। ओके तो वर्तमान ए ब्रेक सु को आमु कौन करिया पड़ियो एक्सपांड करिया पड़ियो तणको ताक भाउच इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक, इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक को हाउची जदि कैम रोटेट करिवो, जदि कैम टा कोन करिवो रोटेट करिवो, जदि कैम टा रोटेट करे तले कोन हो ना ए जो ब्रेक शू दिटा अछि, ए जो ब्रेक शू दिटा अछि ये कोन हो ये कोन करिवो ना ये एक्सपांड करियो लागिवो। जदि एडा रोटेट करे, जदि कैम टा रोटेट करे तले कोन हो ना ए ब्रेक शू कोन करिवो एक्सपांड करियो लागिवो। जदि एक्सपांड करियो लागिवो ताले ये ऊपर खाली एक्सपांड कर तले एक्सपांड कर पार ना कौन पर तले पाइवट सपोर्ट दिखाई पिन द्वारा सपोर्ट दिखाई तले तले पिन द्वारा सपोर्ट दिखाई ऊपर खाली से एक्सपांड कर जो काम टा रोटेट कर ब्रेक्स को कौन कर एक्सपांड कर तो एक्सपांड कले कौन हम ये जो एक्सपांड कर से कौन हम यहाँ ड्रम टा यहाँ ड्रम बा ह्विल यहाँ ह्विल टा ह्विल इंटरनाल सरफेस ह्विल इंटरनाल सरफेस से एक्सपांड कर तेणुक ब्रेक सु उपरे कौन अच्छी ना ब्रेक सु उपरे अच्छी फ्रिक्शनल लाइनिंग और ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक सु उपर कौन ना उपर फ्रिक्शनल लाइनिंग और ब्रेक लाइनिंग रे कौन कर कंटाक्ट हम कहाँ सह कंटाक्ट हम ना ये ह्विल इंटरनाल सरफेस सहित कंटाक्ट हम इंटरनाल सरफेस सहित कंटाक्ट हम तो केमी कंटाक्ट हम बर्तमान कथा जो कैम जब रोटेट कर कैम जब सपोज क्लॉकवाइज रोटेसन कर ताहले कौन हम ना ये ब्रेक सु अच्छे ब्रेक सु ए ब्रेक सुटा कड़े जीव ना इड़क जीव ए ब्रेक सुटा कड़े जीव इड़े जीव तो दुईपट साइड इंटरनली एक्सपांड होते एक्सपांड हेले कौन हम ना ये ब्रेक लाइनिंग अच्छे ब्रेक लाइनिंग एक्सपांड हम एक्सपांड हेले कौन हम सी जाए रोटेटिंग ह्विल अच्छी रोटेटिंग ह्विल कौन करेंगे ना इंटरनाल सरफेस रोटेटिंग ह्विल इंटरनाल सरफेस सी फोर्स अप्लाय करेंगे फोर्स अप्लाय कले कौन हम रोटेटिंग ह्विल अच्छे सी स्टॉप हो तेणुक बर्तन कथा आमको कौन करा पड़ा जेनराली सेम प्रिंसिपल फ्रिक्शन प्रिंसिपल ना पड़ा। नेक्स्ट वन इज आउट अच्छी रिट्राक्टिंग स्प्रिंग लगी दुईटा ब्रेक सु को रिट्राक्टिंग स्प्रिंग द्वारा कनेक्ट कराई कौन पर ना आम जो ब्रेक अप्लाय करवा ब्रेक अप्लाय करवा कैम रोटेट कर ब्रेक अप्लाय कले कैम टा रोटेट कर रोटेट कले कौन हम यहाँ इंटरनाली एक्सपांड हो ब्रेक छाड़ सारा कौन हम ना ब्रेक छाड़ सारापर ये जो ब्रेक सु दुटा ता पूर्व अवस्था को पुणी आसवा दरकार तेणुक गोटे रिट्राक्टिंग स्प्रिंग लगी कि ब्रेक सु दुईटा कौन कर पूर्व अवस्था को आणव पुणी तेणुक ये हूँ मेन प्रिंसिपल काउंडर ना ड्रम ब्रेक अंडर में मेन प्रिंसिपल काउंडर ड्रम ब्रेक अंडर में। तो यार आम थ्योरी को जीवा यार थ्योरी के बाद जीवा इट इज ए टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम, इट इज ए टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इन व्हिच इट इज ए टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इन व्हिच ए ड्रम व्हिच इज हाउसिंग ए ड्रम व्हिच इज हाउसिंग ऑफ द ब्रेक शू
along with the actuator mechanism is attached with the hub in such a fashion that the outer part of the drum rotates with the wheel. जब मुझे देखी क्या आई तुमको बताना देखी क्या बताना आई तुमको. Next one is कौन? When the brake is applied, the actuating mechanism that is mechanical linkage causes the brake shoe to expand. ठीक है जी. तो मैं brake apply करीबा, तो मैं brake apply करीबा, सही जो कौन अच्छी, जो brake shoe कौन हबो? Expand हबो. Due to rotation of cam. काम रो रोटेशन जो कौन हम से ब्रेक्स एक्सपांड कले कौन हम से जाएंगे फ्रिक्शनल लाइनिंग को एक्सपांड कर रोटेटिंग व्हील उपरे एगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर फोर्स अप्लाई कले स्टॉप कंडीशन को आसो तार मोशन टा रिड्यूस हे. तो ये थला मेन फंडामेंटल बिहाइंड ड्रम ब्रेक और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक. नेक्स्ट कम्स टू डिस्क ब्रेक सिस्टम. ड्रम ब्रेक सिस्टम रे किसी डिसएडवांटेजेस आसला जहाद्वारा कि कौन कले ना डिस्क ब्रेक सिस्टम आनले. ड्रम ब्रेक सिस्टम एत इफेक्टिव हेला ना. ड्रम ब्रेक सिस्टम रे जो ब्रेकिंग फोर्सटा एत इफेक्टिव हेला ना तेणुक कौन कराला ना डिस्क ब्रेक सिस्टम रापर भर्सन नेक्स्ट भर्सन आसा डिस्क ब्रेक सिस्टम आसा जो कौन पाइबा आम इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम पाइबा इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम पाइबा. ठीक अच्छे. तो इन डिस्क ब्रेक और कहती और एक मत कौन कहती ना एक मत कहती एक्सटर्नल कंट्रैक्टिंग ब्रेक. सी कौन थी कौन थी इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक. सी ब्रेक शू को एक्सपांड करूला ये किंतु कौन कर देख डिस्क ब्रेक रो मेन प्रिंसिपल कौन देखा बर्तमान डिस्क ब्रेक वेरी वेरी इंपोर्टेंट ब्रेक सिस्टम. डिस्क ब्रेक प्रिंसिपल बहुत ही सहज जिन एक्चुअली. तो इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हिच इनस्टेड ऑफ ड्रम असेंबली ए डिस्क रोटर इज अटैच्ड टू द हब. ता माने एथि हम कोन लगेबा डिस्क ब्रेक सिस्टम रे ड्रम न लगे कोन करबा गुटे डिस्क लगेबा गुटे रोटेटिंग गुटे कोन लगेबा गुटे डिस्क लगेबा जे कि हब सहित लागबो का सहित जो हमर एक्सिल थिवो एक्सिल लो हब सहित लागबो कोन लागबो ना गुटे डिस्क लागबो. ठीक अछि. आमी डिस्क रे तमे देखै थिवो गुटे डिस्क लागे डिक्स रे कौन होता है नंबर ऑफ व्हील नंबर ऑफ होल सब था नंबर ऑफ होल सब जो था सेटा एक्चुअली रोटर और डिक्स था कौन. एठी गोटे क्वेश्चन जनरली